बहुत बढ़िया। भाई इसमें जो ब्रेक का इशू है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो मैक्सिमम लेवल तक भरा हुआ है। दोस्तों ये हमारे पास में .3 ब्रेक ऑयल है कि यहाँ पर ये ब्लीडिंग पॉइंट दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको पंप करते जाना है दोस्तों जब तक कि वहाँ पर एयर निकलना बंद ना हो जाए। और जैसे एयर निकलना बंद होगी आप देखेंगे कि जो पाइप हमने लगाया है उसमें प्योर ऑयल दिख जाएगा आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल की इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी 800 में ब्रेकिंग ठीक से ना आए तो किस तरीके से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस इसमें जो ब्रेक का इशू है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ टाइम पहले तक इसमें बहुत अच्छा ब्रेक आता था, पर लेकिन या तो एक बार इसका जो ब्रेक ऑयल था वो थोड़ा सा कम हो गया था और बाद में जब इसको टॉपअप किया तो उसके बाद से ब्रेक आना इसके कम हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है ब्रेक ऑयल की केन, और यहाँ पर मैं अगर आपको उसको खोल के दिखाऊँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो मैक्सिमम लेवल तक भरा हुआ है। लेकिन ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक इसमें बहुत कम आते हैं, जैसे आइए एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें पावर ब्रेक नहीं होते हैं, मारुति 800 में जो मैनुअल ब्रेकिंग होती है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा लीवर है ये पूरा दब जाता है और ब्रेक इतने टाइट नहीं आते हैं। मतलब गाड़ी अगर आप तेज़ स्पीड में हैं तो गाड़ी ठीक से रुक भी नहीं पाएगी। तो कुल मिला के मुझे ऐसा डाउट है कि इसमें जो है एयर आ गई है, और जैसा आपको पता है कि जब अगर गाड़ी में एयर आ जाती है तो चारों जो व्हील हैं उनमें से आपको ब्लीडिंग करके उसकी जो एयर है वो निकालनी पड़ती है। तो अब यही एक सॉल्यूशन है कि हम इसकी एयर को निकालें और फिर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको चेक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो गाइस अभी इस गाड़ी को हम खड़े करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये आसानी से इसका ये दिख जाए। दोस्तों ये हमारे पास में .3 ब्रेक ऑयल है। आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्रेक ऑयल बदलें या टॉपअप करें तो .3 जो रिकमेंडेड ग्रेड का ऑयल होता है वही डालें, इससे भी ब्रेकिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो हमने पार्क कर दी है। अब आपको एक एक करके करना ये है, जैसे मैं आपको सबसे पहले जो रियर व्हील है उसकी लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने थोड़ा सा हाइट पर इस गाड़ी को खड़ा किया है, तो ये जो पहली लोकेशन है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लीडिंग पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पाइप लगाना है और इस नट को खोल देना है, और उसके बाद में जो ड्राइवर सीट है वहाँ पर जाके जो ब्रेक है उसको कंटिन्यूसली पंप करना है। और सेम ड्राइवर तरफ भी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेम प्रोसीजर आपको करना है जब तक कि इसकी पूरी एयर ना निकल जाए। और सबसे पहले भी इसका एक बोनट खोल लेते हैं ताकि हम जो ये जो ऑयल हम लिया है इसको कंटिन्यूसली जो ऑयल चेंबर है उसमें हमें डालना पड़ेगा। वैसे इस ब्लीडिंग के पूरे काम को करने के लिए तीन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो यहाँ पर ऑयल का ध्यान रखता है, दूसरा पंप जो ब्रेक लीवर है उसको चलाने के लिए, और तीसरा व्यक्ति वहाँ पर जो हर एक पहिए में जो ब्लीडिंग पॉइंट है वहाँ पर जो वेस्ट ऑयल निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए होता है। पर एनीहाउ हम आज केवल दो लोग हैं तो हो सकता है हम दो लोगों से काम चलाएंगे फ़िलहाल। तो सबसे पहले हम ये जो ऑयल चेंबर है इसका खोल लेते हैं, और इनिशियली इसको हमें फुल टॉपअप कर देना है। टॉपअप की जगह जो फुल है, क्योंकि अभी ऑयल बहुत सारा इसमें से निकलने वाला है। तो ये है हमारा .3 ऑयल जिसको कि हमें डालना है। ये ऑयल को फुल पोर करने के बाद में अब आइए व्हील की तरफ चलते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट को ओपन करते हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से 10 नंबर का पाना लगता है, और जैसे ही आप इसको खोलेंगे
वैसे ही इसमें से ऑयल गिरने लगेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके का एक छोटा सा पाइप लेना है और उस पाइप को उसमें लगा दीजिएगा, और उसका जो कनेक्शन है वो आप इस तरीके के किसी भी चेंबर में रख सकते हैं जिससे कि आप उसको कलेक्ट कर सकें। अब आइए चल के पंप करते हैं। अब गाइस कुछ इस तरीके से आप पंप इसमें लगाने आपको पड़ेंगे जब तक कि वहाँ से पूरी एयर ना निकल जाए। कुछ इस तरीके से आपको पंप करते जाना है दोस्तों जब तक कि वहाँ पर एयर निकलना बंद ना हो जाए, और जैसे ही एयर निकलना बंद होगी आप देखेंगे कि जो पाइप हमने लगाया है उसमें प्योर ऑयल दिख जाएगा आपको। और ठीक उसी तरह ये जो दूसरा व्हील है इसमें भी आपको इसी तरीके से उसको खोलना है। और जैसे आप इसको खोलेंगे इसमें से थोड़ा सा ऑयल आने लगेगा। पंप कर दिया गया। अब इसमें पाइप लगा लेते हैं। दोस्तों पिछले पहिए के जो हमारे ब्लीडिंग है वो हम कर चुके हैं। अब जो फ्रंट व्हील है उसकी ब्लीडिंग करने के लिए आपको जो उसका स्टेयरिंग है वो आपको पूरी तरफ किसी एक तरफ आपको काटना होगा जिससे कि ये पूरा इसका जो ये वाला हिस्सा है ये दिखने लगे। देखो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इस तरीके का यहाँ पर स्क्रू होता है, और जैसे ही हम इसको खोलते हैं इसमें से ऑयल आने लगता है। अब इसमें भी हमें सेम प्रोसीजर करनी है, ये पाइप लगा देना है और जाके पंप करना है। जो ड्राइवर साइड का जो फ्रंट व्हील है उसके बाद में जो को ड्राइवर साइड का फ्रंट व्हील है, अब उस तरफ के लिए हमें फ्रंट व्हील का ब्लीडिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पूरा स्टेयरिंग उस तरफ काटना पड़ेगा। ये स्टेयरिंग पूरा कट गया है। वैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से 10 नंबर के पाने से आपको बस को हल्का सा लूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी समस्या ये आ गई है कि उस समय जो इसका नट था वो थोड़ा सा उसकी जो थ्रेड थी वो स्लिप हो गई हैं, तो अब इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये हमने टामी से इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बोल्ट था ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम इसको अटेम्प्ट ना करते हुए ये जो दूसरा है ये हाउसिंग वाला इसको खोल लेंगे और इससे ब्लीड करेंगे, क्योंकि इस पर ज़्यादा जोर लगाने से ये टूट सकता है तो ये समस्या हो जाएगी फिर। तो फिलहाल हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर ऑयल भी हमें बराबरी से इसका ध्यान रखना है कि ऑयल कम ना पड़ने पाए, नहीं तो दोबारा से उसमें एयर आ सकती है। और ये आसानी से खुलता हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बोल्ट है इसलिए आसानी से खुल गया है। अब हमें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑयल निकलने लगा है, तो यहाँ पर भी हमें चालू कर देना वीडियो। ओ धीरे, हाँ मारते जाओ और लगाओ पंप, हाँ एक दो और मार दे बस। लगा और अभी एयर आ रही है,
चलाते जा, दो बार और चला दो और दबा के रख लेना। तो आइए गाइस, इसकी ब्लीडिंग के बाद में इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं कि प्रॉपर ब्रेकिंग इस पे आ रही है नहीं। तो गाड़ी हमारी चालू हो गई है, तो गाइस अब गाड़ी को टेस्ट पर्पस से अशोक सर लेके जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ब्रेक लगने के झटके से ब्रेक लग रहे हैं। तो गाइस ब्रेक बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हल्की सी स्किड भी हुई थी गाड़ी, बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो ब्रेक बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, पहले बिल्कुल गाड़ी रुकने में ही समस्या जाती थी, तो देखिए जब आप गाड़ी को थोड़ा सा रफ चलाते हैं तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको मारुति 800 की जो ब्रेकिंग इश्यू है, लो ब्रेकिंग इश्यू था, उसको सॉल्व करते हुए इसकी जो ब्लीडिंग है उसको एयर को ब्लीड किया। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी लगती है तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और हमारे पास में कोई काम नहीं है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।